हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, क्या क्या थ्योरीज़ हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पीछे, किन किन ऑथर्स ने क्या कहा है। सो हमने वो सब अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज वो उसका जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सो हम अपने एक नए सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पर्सनली अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। उसके आगे काफ़ी सारे मेथड है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है आपका असर्टिवनेस ट्रेनिंग। की असर्टिवनेस का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कितने टाइप की होती है, प्लस इसके बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिवनेस के बारे में जानना। ओके, देखिए सबसे पहले मीनिंग क्या होता है असर्टिवनेस का। असर्टिवनेस का मीनिंग होता है, इट इज़ अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच मीन्स हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स यूर सेल्फ एंड अदर्स। सिंपल सी बात है, असर्टिवनेस का मीनिंग अगर आप एक वर्ड में कहना चाहें तो वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना किसके बारे में, किसके लिए, मतलब सो वो होगा अपने लिए एंड अदर्स के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना टुवर्ड्स यूर सेल्फ एंड अदर, जिससे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होता है। ऑफकोर्स अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं हर किसी, चाहे वो किसी सिचुएशन है, चाहे वो किसी पर्सन है, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। सो यही होता है असर्टिव रहना, है ना, असर्टिवनेस। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ लिंक टू सेल्फ एस्टीम एंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफकोर्स हमेशा उसी की बेटर रहेगी जो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, व्हेन यू बिकम पॉजिटिव टुवर्ड्स योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, राइट। सो ये क्या है, सेल्फ एस्टीम के साथ आप इसे लिंक करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल मानी गई है। ये होता है असर्टिव रहना। अब असर्टिवनेस के कॉन्सेप्ट से अगर हम मीनिंग समझें कि असर्टिवनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, राइट। सो असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना। आप सीधे सीधे कह रहे हैं उसको क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे, राइट। सो कॉन्फिडेंट के साथ कहना, कॉन्फिडेंस प्लस आप उसे सीधे सीधे कह रहे हैं। तीसरा चीज़, आप एक्यूरेट थिंग कह रहे हैं, यानी कि उसे सही कह रहे हैं अपनी बात को। एंड फोर्थ थिंग, रिस्पेक्टफुल वे में कहना, यानी कि हिंदी में कहें तो सम्मानजनक तरीके से कहना। और अगर आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेटली, टाइमली, रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो काबिलियत है आपकी उस तरीके की कम्युनिकेशन करने की, तो वो असर्टिव कम्युनिकेशन है, राइट। तो चलिए और देखते हैं असर्टिवनेस के बारे में क्या है। असर्टिवनेस इज अ एबिलिटी टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ। सिंपल सी बात है, एबिलिटी है एक्सप्रेस करने की अपने आप को, क्योंकि जो पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसका कैपेबल होगा जो असर्टिव कम्युनिकेशन करने में, सो वो एबल होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने में विदाउट वायलेटिंग द राइट ऑफ अदर्स। यानी कि जो असर्टिव पर्सन होगा वो दूसरों के राइट को वायलेट नहीं होने देगा, उसे ख़राब नहीं करेगा और अपने राइट के लिए भी वो खड़ा रहेगा। सो ये होता है असर्टिवनेस का मतलब, राइट। नेक्स्ट और देखिए, आपका मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा। एक्टिव असर्टिवली विट अलाउ यू टू फील सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप असर्टिवनेस बिहेवियर, असर्टिवनेस रखते हैं अपने आप के अंदर, असर्टिवली आप एक्ट करते हैं, सो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है ना, वो यही है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिवली आती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड विल जनरली गेन यू द रिस्पेक्ट ऑफ पीयर्स एंड फ्रेंड। और इस तरीके से आपको अपने पीयर्स का मतलब कौन होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, है ना, किसी भी लेवल पे जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आप चिल्ड्रन हैं तो आपकी क्लास में चिल्ड्रन, या फिर अगर आप कॉलेज में काम कर रहे हैं तो कॉलेज में हैं तो आपके साथ वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सब आपके पीयर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। सो अपने पीयर्स और फ्रेंड्स, ये आपको उनसे रिस्पेक्ट भी दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा, क्योंकि आप एक पर्सन है जो कॉन्फिडेंस में है, है ना, पॉजिटिव कहते हैं, आपके अंदर वो स्किल है कि आप किसी से भी अच्छी बात, एक अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं, है ना, और दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये क्या हुआ, इससे आपके फ्रेंड्स के मन में, आपके पीयर्स के मन में काफ़ी आपका जो पॉजिटिव रोल है वो जाएगा एंड वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। सो ये हुआ असर्टिवनेस का कंप्लीट मीनिंग। अब चलते हैं आगे, रिस्पॉन्सेस पैटर्न या टाइप ऑफ असर्टिवनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक ही नाम है, चाहे आप कह लीजिए कि आप देखिए असर्टिवनेस मतलब हमने पढ़ा, सिंपल सी बात, पॉजिटिव रहना।
और दूसरों अपने राइट को प्रोटेक्ट करना, दूसरे के राइट को वायलेट ना करना। सो अब ये किस किस टाइप का होता है, किस किस टाइप के रिस्पॉन्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, या ये कितने टाइप की होती है, तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो आपके रिस्पॉन्स पैटर्न होते हैं, ये आपके 4 टाइप के होते हैं, कि लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ का, या किस बिहेवियर की अगर हम बात करें, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो पर्सनली लोग होते पहले हम यही बात करेंगे कि किस टाइप के हैं। तो देखिए, पहले होते हैं नॉन असर्टिव, दूसरे होते हैं असर्टिव, एग्रेसिव या पैसिव एग्रेसिव। दीज आर द 4 टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पैटर्न। ओके, अब वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन असर्टिव जो पर्सन्स होते हैं, जिन पर्सन्स का जो बिहेवियर है वो नॉन असर्टिव होता है। देखिए, नॉन असर्टिव बिहेवियर, ऐसे पर्सन जिसका जो बिहेवियर है वो नॉन असर्टिव है, वो क्या करते हैं, नॉट स्टैंड अप फॉर देयर ओन राइट, वो अपने राइट के लिए कभी भी खड़े नहीं होते हैं। हो सकता, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो। सो ये जो है अपने राइट के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं, दूसरों के लिए तो क्या ही होंगे जब अपने लिए ही नहीं होते हैं। सेल्डम अचीव दियर गोल, ये अपने गोल की अगर हम बात करें तो ये अपने गोल को ना बहुत रेयरली होता है कि इस बिहेवियर के लोग अचीव कर पाएँ, वो नहीं कर पाते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा होता है। वॉइस की बात करेंगे तो वॉइस थोड़ी हेजिटेंट होती है, थोड़े हेजिटेंट पर्सन होते हैं, वीक होते हैं ये पर्सन थोड़े इनकी जो वॉइस की अगर आप बात करें। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये दूसरों के साथ इंट्रैक्शन करने में ये अनकम्फर्टेबल होते हैं, यानी कि वो अच्छे से बात नहीं कर पाते। सो अगर कोई पर्सन है जो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, जनरली इनकी वॉइस थोड़ी सी वीक रहती है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं कर पाते, और ये अपने आप से ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये हर्ट रहते हैं, है ना, ये जो पर्सन है ये अपने आप से थोड़ा हर्ट रहते हैं, डिसअपॉइंटेड विद सेल्फ, यानी कि अपने आप से क्या रहते हैं, ये डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं ना, अगर उनका बिहेवियर ऐसा है तो वो कहा जाता है नॉन असर्टिवनेस बिहेवियर, कि उनका जो बिहेवियर है नेस नहीं नॉन असर्टिव बिहेवियर है। ओके, सो अब ये हुआ फर्स्ट टाइप। आगे ऐसे नेक्स्ट टाइप है, देखिए असर्टिव बिहेवियर, अब हम बात करते हैं असर्टिव बिहेवियर क्या होता है। सो ऐसे पर्सन्स विच स्टैंड अप फॉर देयर ओन एंड अदर्स राइट, अपने राइट के लिए भी खड़े होते हैं, साथ के साथ जो दूसरों के राइट के लिए भी खड़े होते हैं, ये इसकी जो सबसे मेन आप मीनिंग कह सकते हैं, ये इस टाइप के होते हैं। इनकी वॉइस की अगर हम बात करें, काफ़ी वार्म होते हैं ये, इनकी वॉइस एक्सप्रेसिव होती है, यानी कि सब कुछ कहना जानते हैं क्योंकि इन्हें कहने का तरीका पता होता है, एक्यूरेट होते हैं ये अपनी बात में। इनका गोल ऑफकोर्स, जो इस बिहेवियर के पर्सन होता है, ये अपने गोल को भी 90% एबिलिटी रखती है कि वो उसे अचीव करेंगे। कम्युनिकेशन की बात करें तो गुड एंड हम्बल, इनका जो कम्युनिकेशन होता है काफ़ी गुड होता है, हम्बल होता है। ये जो पर्सन्स होते हैं असर्टिव बिहेवियर के, काफ़ी क्या होते हैं, ये कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर हम और इनके बारे में बात करें कि असर्टिव और कैसे होते हैं, तो ये सेल्फ रिस्पेक्टिव कहते हैं ना, कि अगर आप अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी टाइप के जो पर्सन होते हैं वो असर्टिव बिहेवियर के होते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली, काफ़ी ओपनली ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और अपनी फीलिंग्स के बारे में भी ये ऑनेस्टली उसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो ये हुए आपके असर्टिव बिहेवियर के जो पर्सन होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके रिस्पॉन्स पैटर्न की या टाइप की, तो वो क्या आता है आपका, एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव नाम से पता चल रहा है ना, जो लोग गुस्से में रहते हैं, बट यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब सिर्फ गुस्सा करने से नहीं है। देखिए क्या होता है, इनकी जो वॉइस की अगर आप बात करें, सबसे पहले तो वॉइस काफ़ी लाउड होती है, ऑफ कोर्स गुस्सा करेंगे तो इनकी जो वॉइस है काफ़ी लाउड होती है। डिमांडिंग होते हैं पर्सन इस टाइप के, काफ़ी गोल क्या होता है अचीव कर लेते हैं ये जनरली, बट ये दूसरों के राइट का ध्यान नहीं रखते, जो दूसरों का हक है ये उन्हें छीन के भी, यानी कि अपना जो गोल है वो अचीव करना जानते हैं। कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन टू शो देयर पावर, ये क्या पावर, अपनी पावर को शो करते हैं, जो इस टाइप के पर्सन होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर के लिए होते हैं, यानी कि अपने राइट के लिए तो स्टैंड होते हैं, अपना राइट इन्होंने ले लिया और दूसरों के राइट को ही वायलेट करते हैं। सबसे पहला क्या था, नॉन असर्टिव, जो कि अपने ही राइट के लिए खड़े नहीं होते, असर्टिव अपने लिए भी होते हैं और दूसरों के लिए भी, और एग्रेसिव जो होते हैं ये सिर्फ अपने के लिए होते हैं और दूसरों के राइट को वायलेट करते हैं। और देखिए इनके बारे में क्या है, ह्यूमिलेट करना जानते हैं, ये एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं, दूसरों को ह्यूमिलेट करना जानते हैं। फीलिंग एक्सप्रेस डिसऑनेस्टली, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं लेकिन डिसऑनेस्टली से, यानी कि सही नहीं करते हैं। एक्सप्रेस सुपीरियरिटी, कभी भी आप बात करने बैठेंगे तो हमेशा आपको ये दिखाएंगे कि हम सुपीरियर हैं, है ना। तो इस टाइप के अगर कोई पर्सन है वो क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर, ऐसा पर्सन जो होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं। नेक्स्ट टाइप,
पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। अब ये क्या चीज़ होता है, तो ये समझिए, वॉइस, इनकी वॉइस कैसी होती है। सबसे पहली बात, ये दूसरों से बात करना पसंद ही नहीं करते हैं, इस टाइप के जो होते हैं, ये कुछ कहने की बजाय ना डायरेक्टली सिर्फ उस कर देते हैं, यूज एक्शन इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज गोल, इनका मोटिव क्या होता है, किस मतलब अचीव कर पाते हैं या नहीं, किस टाइप का। सो इनका हर चीज़ में एक ही इनका गोल होता है, टू डोमिनेट अदर, कि दूसरों को डोमिनेट करें। देखो एग्रेसिव वाले ह्यूमिलेट ज़्यादा करते थे पर्सन को, ये वाले दूसरों को डोमिनेट, नीचे ज़्यादा दिखाते हैं, है ना। वो तो उन पर गुस्सा करते थे, उन्हें परेशान करना, लेकिन उन्हें नीचे दिखाते हैं, डोमिनेट करते हैं। कम्युनिकेशन की अगर आप बात करें तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन अपने राइट को ये डिफेंड जरूर करते हैं, यानी कि अपना जो हक अगर कोई इनसे छीन रहा होता है तो उन्हें ये डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट पढ़े इनके बारे में, अलाउ अदर टू मेक चॉइसेस फॉर देम, दूसरों को अलाउ करते हैं कि उनके लिए चॉइस करें, ठीक है। ऐसे ही जो नॉन असर्टिव वाले भी होते हैं वो भी यही करते हैं, वो अपने लिए कभी भी चीज़ों को चूज़ नहीं करते हैं, दूसरों को अलाउ करते हैं कि आप हमारे लिए चूज़ कीजिए। सेम ये दोनों इन चीज़ों में पॉइंट कॉमन होता है, पैसिव अग्रेसिव में और नॉन असर्टिव में। नेक्स्ट देखिए, इरीटेट, बहुत जल्दी इरीटेट होते हैं, आर्ग्यूमेंटिव, आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं ये। व्हेन आस्क्ड टू डू समथिंग, अगर आप इस टाइप के पर्सन को काम करने के लिए कहेंगे सो इनका मन नहीं होता कभी भी काम करने का, ये ध्यान रख लीजिए। ये दे डोंट वॉन्ट टू डू वर्क, ये वर्क को करना ही नहीं चाहते किसी भी टाइप के काम को, जो इन्हें पसंद है बस वही करना चाहते हैं, यानी कि दूसरों की हेल्प तो बिल्कुल नहीं करते हैं इस टाइप के जो पर्सन होते हैं। और दूसरा, कुछ काम करने को कहेंगे तो ये काफ़ी इरीटेट हो जाते हैं, इरीटेट होने के साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं उस बारे में। और अगर आप इसी चीज़, आप कहेंगे कि आप एग्रेसिव और पैसिव अग्रेसिव में क्या डिफरेंस हुआ, तो पहला तो वही, वो ह्यूमिलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। सेकेंड थिंग, वो जो है वो अपने राइट को, अपना राइट को अचीव करते हैं एग्रेसिव वाले, और दूसरे पर साथ साथ वो दूसरों को वायलेट कर देते हैं, दूसरों के राइट को। लेकिन ये दूसरों के राइट को वायलेट तो नहीं करते, बट हाँ ये अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं अपने राइट को। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम एग्रेसिव शो एंगर विद लाउड वॉइस, एक ये भी इनके पास बीच में डिफरेंस है कि अगर कोई इन्हें काम करने को कहते हैं, किसको, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर वालों को, जिनकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, पैसिव अग्रेसिव वालों को, तो ये उस काम को नहीं करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ काम करने को आप अग्रेसिव वालों को कहेंगे तो वो आर्ग्यूमेंटेशन या इरिटेट होने की बजाय, वो इरिटेट होकर चुप नहीं हो जाएंगे या आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो आपकी वॉइस बहुत लाउड वॉइस में आपके ऊपर एंगर करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है। सो ये आपके जो फोर टाइप हुए रिस्पॉन्स पैटर्न के। ओके सो देखिए, अब इस बात से हमें काफ़ी क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगा कि नॉन असर्टिव टाइप के जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने आप से कभी खुश नहीं रहते, मैंने आपको बताया था नॉन असर्टिव टाइप के जो पर्सन होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि मैं तो ओके नहीं हूँ लेकिन आप ओके हो, यू आर ओके। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया बहुत खुश है, लेकिन यही एक सिर्फ जो है इन्हें खुश नहीं है, ठीक है। ये होते हैं नॉन असर्टिव। फिर बात करें अगर असर्टिव की, असर्टिव अपने राइट को प्रोटेक्ट करते हैं प्लस दूसरों के लिए भी खड़े होना जानते हैं। सो आई एम ओके, यू आर ओके, दोनों बढ़िया हैं, सब बढ़िया है ना, इस टाइप के पर्सन होते हैं। नेक्स्ट, एग्रेसिव जो गुस्सा करते हैं, अपने राइट को डिफेंड करते हैं ये, तो इसलिए आई एम ओके ये कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये दूसरों को ठीक नहीं रहने देते, क्योंकि दूसरों के राइट को ये क्या करते हैं, उसे ये स्पॉइल करते हैं, है ना। सो यू आर नॉट ओके, दूसरों को कहते हैं यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूँ बस। पैसे अगर ऐसे भाई, ये वो वाले लोग हैं, ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, क्योंकि ये अपने राइट को डिफेंड करते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं पर दूसरों को डोमिनेट करते हैं साथ साथ। जो इस पैसे अग्रेसिव टाइप के पर्सन होते हैं ना, ये उन लोग, अगर कोई पर्सन इनका अपोजिट है ना इस टाइप के पर्सन के अकॉर्डिंग, तो अग्रेसिव वाले तो क्या करेंगे, जस्ट उन पर गुस्सा करेंगे, लेकिन ऐसे जो पर्सन होते हैं वो उन्हें किसी ना किसी तरीके से ह्यूमिलेट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे ये उन्हें। सो इसलिए ना ये खुद जिएंगे ना जीने देंगे, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके। ओके ओके, बात करते हैं आपके असर्टिवनेस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या आपके बेनिफिट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंक्रीज़ होता है आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का कह सकते हैं आपका जो मोटिवेशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो आपका काफ़ी इंक्रीज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या इनकी है, इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी इन वर्क, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपकी वर्क में प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। थर्ड, इम्प्रूव करता है आपके दोनों टाइप की हेल्थ को, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को ये काफ़ी इम्प्रूव करता है। देन नेक्स्ट, रिलेशनशिप इससे काफ़ी अच्छी बनते हैं, क्योंकि अगर आप असर्टिव बिहेवियर रखेंगे, पॉजिटिव है,
दूसरों के साथ इंटरेक्ट काफ़ी ईजिली करते हैं, आप ऑनेस्टली उनसे बात करते हैं, एक्यूरेटली कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो आपके हेल्थी बनते हैं, मीनिंगफुल रिलेशन बनते हैं, और आप खुद भी हेल्थी एंड इमोशनली जब आप सेटिस्फाइड हैं किसी चीज़ से तो ऑफकोर्स आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड रहेंगे। नेक्स्ट जो है सेल्फ रिस्पेक्ट आप इंक्रीज़ करते हैं इस टाइप के जो पर्सन होते हैं, लेस कॉन्फ्लिक्ट, दूसरों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी कम होते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ असर्टिवनेस जो आपको असर्टिव बिहेवियर रखने के कारण होते हैं। सो फ्रेंड्स आज हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, बिहेवियर रिस्पॉन्स पैटर्न। टिल देन फ्रेंड स्टे ट्यून्ड, ड्रीम प्लान देन एक्ट अचीव। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू।